क्या कसूर है? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इसको लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की गई है, जो प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में शुरू हो गया है। मंगलवार की देर शाम मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली के नेतृत्व में वीडियो वैन के साथ मसूरी के गांधी चौक, झूलाघर और पिक्चर पैलेस पर लोगों को वीडियो के माध्यम से दिल्ली सरकार और प्रदेश में 20 साल में कांग्रेस और भाजपा की सरकार के द्वारा किए गए कामों को दिखाया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि 20 साल में उत्तराखंड में किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा ने प्रदेश को लूटने का काम किया है, जबकि 6 साल दिल्ली में आप सरकार ने किस तरीके से दिल्ली को विकसित करने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल पूछने पर नवीन प्रशाली ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अपने चेहरे को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। वह भाजपा में स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2022 के चुनावी चेहरे रहेंगे, परंतु आप पार्टी को अगर जनता ने मौका दिया तो आप पार्टी उत्तराखंड से ही मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर आप मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करूं तो सबसे खराब मुख्यमंत्री देश के, मुझे शर्म आ रही है आपके चैनल पर ये बोलते हुए कि हमारे मुख्यमंत्री इस देश के सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं, निष्क्रिय मुख्यमंत्री है और इस सरकार पिछले 4 साल से कुछ काम नहीं कर पाई। जहां तक हरीश रावत जी की बात है तो वो भी आने के लिए सेनापति बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर पहले ही पार्टी उनको सेनापति बना देगी तो चुनाव में थोड़ा जोर लगा देंगे, अगर किसी और को बना दिया तो वो साइड हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अब रिटायरमेंट की हालत में है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी मैं बहुत सारे चेहरे हैं और चेहरा समय आता है, एक प्रक्रिया उसकी होती है, जनता देखेगी कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री उत्तराखंड से ही होगा। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बयान पर सियासत गर्मा गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पौड़ी को उन्होंने यशपाल बेनाम दिया है। उनका मतलब यशपाल बेनाम को पौड़ी का विकास पुरुष इंगित करना था। मैं यहाँ के नगर पालिका से मुझे कह रहे थे कि भाई साहब आपने पौड़ी को कुछ दिया नहीं, अब यशपाल बेनाम दे रखा है तो और कुछ देने की जरूरत है। आपको बता दें कि यशपाल बेनाम जब भाजपा में नहीं थे उस दौरान भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में यशपाल बेनाम की वित्तीय शक्तियां समाप्त कर दी थी, लेकिन यशपाल बेनाम के भाजपा में शामिल होते ही त्रिवेंद्र सरकार ने उनकी वित्तीय शक्तियां बहाल कर दी हैं। इस पर सभी विपक्षी दलों ने अपने अपने माध्यम से विरोध दर्ज किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सरिता नेगी ने कहा कि यशपाल बेनाम पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर नैनीताल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भाजपा में शामिल होकर भ्रष्टाचारी के पाप धुल जाते हैं। जो न्याय विभाग है और जो शासन था, उन्होंने ये कहा कि इनको और जो उनकी जो महाधिवक्ता हैं उनके ये बयान थे कि इनकी जो इनके जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो सिद्ध हो गए हैं तो इनको पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और इनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। और तब इन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए त्रिवेंद्र रावत जी ने उनके वित्तीय पावर सीज किए और उसके बाद जो ये जो हीरा जिनको वो बता रहे हैं पौड़ी के लिए, फिर वो उनको भाजपा में लेते हैं और वो भाजपा से चुनाव लड़े और फिर जीते, तो उन पे इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जो सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनका वरद हस्त उनके सर पर है और वो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी और UKD के नेता शांति प्रसाद भट्ट ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। देखिए, BJP में जब कोई शामिल हो जाता है तो वो तो गंगा नहा लेता है, उसका सारा जो मैल होता है, भ्रष्टाचार होता है, वो धुल जाता है। इसी प्रकार यशपाल बेनाम का भी जो मैल है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं पौड़ी में, वो मैल अब धुल चुका है क्योंकि वो BJP में शामिल हो गए। तो मुख्यमंत्री ठीक ही कह रहे हैं कि पौड़ी को उन्होंने यशपाल बेनाम दिया हुआ है। अब वो बेनाम है या बेमान है, ये चीज़ें कुछ दिनों में निकल के आ जाएंगी सामने, क्योंकि इस मामले में कोर्ट में भी जनहित याचिका फाइल हो चुकी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पौड़ी दौरा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पौड़ी की जनता को हमने यशपाल बेनाम दिया है। ये वो यशपाल बेनाम है जिनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भ्रष्टाचार के न सिर्फ आरोप लगाए गए बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, उनकी वित्तीय पावर भी सीज गई गई। ये वही यशपाल बेनाम है जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप शासन प्रशासन ने भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, पौड़ी। कृषि कानून वापसी और हाल ही में पेश हुए आम बजट पर कांग्रेसियों ने
नगर के मुख्य चौक पर एकत्र होकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। केंद्र सरकार द्वारा पेश हुए आम बजट पर कांग्रेसियों ने कहा कि गरीब मजदूर बेरोजगार और महिलाओं के लिए ये बजट में कुछ खास नहीं है, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने सितारगंज में केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि देश का किसान कृषि कानून बिल से पहले ही बहुत परेशान है, अब केंद्र सरकार द्वारा आम बजट में मजदूर बेरोजगार महिलाओं को कोई राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई से जनता में त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई हो चुकी है देश में, हर गरीब मजदूर किसान परेशान है। आप देख रहे होंगे कि कल के बजट में कुछ नहीं दिया, ना कोई गरीबों के लिए फायदा, ना कोई किसानों के लिए फायदा। 3 महीने से बॉर्डर पर जो है दिल्ली, वहाँ किसान चारों तरफ धरना देके बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि तीनों कृषि काले कानून वापस होने चाहिए, मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। इसके विरोध में हमने आज जो है केंद्र सरकार का पुतला फूंका खिलाया, चौराहे को फूंका है, ये बजट को लेकर फूंका है। बजट जो है केंद्र सरकार का बिल्कुल निराशाजनक है। आज जो है जनता तराई तराई कर रही है, और कोई भी बजट में ऐसी चीज नहीं है जिससे गरीब आदमी को, मध्यम क्लास के आदमी को उससे फायदा हो सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज गोपेश्वर के दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखी। त्रिवेंद्र रावत ने गोपेश्वर पीजी कॉलेज के जिम हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सीएम ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क प्रेरणा कोचिंग सेंटर का निरीक्षण कर युवाओं के साथ संवाद किया और उनकी परेशानियों को भी जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, गोपेश्वर। गदरपुर में देर शाम किसान संगठन व राजनीतिक संगठन के लोगों ने स्कैनिया रोड से चलकर गुरुद्वारा रोड गदरपुर तक कैंडल मार्च निकालते हुए कृषि बिल का विरोध किया। साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर पलटने से मृत हुए किसान नवरीत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि युवा किसान की मृत्यु संदिग्ध है तथा हम लोग उसकी मृत्यु की विस्तृत जांच की मांग करते हैं। दिल्ली में सरकार के जो हठधर्मिता के वजह से शहीद होना, ये आप हम सबके लिए, किसान भाइयों के लिए पीड़ादायक है। आज हम सब भाई नवरीत सिंह के लिए कैंडल मार्च निकाले, शांति मार्च निकाले और यहाँ परमपिता परमेश्वर से यही निवेदन करते हैं कि उसके आत्मा को शांति दे। और इसके साथ साथ मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके हठधर्मिता बहुत ज़्यादा हो गया। ये तीनों जो कृषि कानून है, काले कानून है, इनको पब्लिक ने, किसानों ने, जिनके लिए आपने बनाया है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आप भी मान जाओ और किसानों की बलि लेना बंद करो, 150 से ऊपर हो गया है। वहीं कांग्रेसी नेता मोहम्मद आलम ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को तोड़ने का हर प्रयास कर रही है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। 150 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है और मोदी सरकार को तुरंत कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। कर चुके हैं, 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। अब वो भी किसी के परिवार के, उनके ही बच्चे होंगे, उनके भी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, सब लोग होंगे। सरकार इतनी कठोर हो गई है, इतनी कठोर हो गई है कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि काले कानून थोपेंगे, उसके बाद हमें गुंडा बदमाश, हमें अराजक पर्यटक फैलाने वाले बताएंगे। हालत यह हो गई है, सिंधु बॉर्डर पर हमले हो जा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर हमले हो जा रहे हैं, लोग मार रहे हैं लोगों को, बीजेपी के लोग जा रहे हैं वहाँ मारने के लिए उन किसानों को, मजदूरों को। ये अच्छी बातें नहीं है, सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। और जो शहीद हुए उनके लिए हमने एक कैंडल मार्च निकाला है, भाई रमजीत के लिए भी निकाला है, और जो 150 ज़्यादा किसान शहीद हुए उनके लिए भी निकाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, गदरपुर। कृषि कानून के विरोध में उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर गुड़मंडी में आज किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे, जिनका संबोधन करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत इस महापंचायत में पहुंचे। किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। इस महापंचायत में सभी संगठनों के किसान एकजुट होकर पहुंचे और कृषि कानून का विरोध किया। महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक किसानों का यह आंदोलन चलता रहेगा। बैठे
तो हम तो यही चाह सरकार ये जीती रहे या छोड़ दे और एक अच्छी तरह से बात करे। हमें नहीं नहीं पता है सरकार का जिम्मेदार कौन है, भाई सरकार में जिम्मेदार कौन है, कम से कम वो समझे बात को और एक माहौल बना के जावे अपना जिद्दी रवैया छोड़ के, जनता के साथ में नहीं पूरा पार सकती सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान हिंसा विरोधी है और किसानों का यह आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहेगा। जनता या हिंसा में विश्वास नहीं रखती, एक अच्छे तरीके से शांति प्रिय तरीके से गांधीवादी तरीके से यह आंदोलन करू जाएंगे, पीछे नहीं हटने के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो रुड़की। हरिद्वार श्री राम चौक सेवा समिति द्वारा ज्वालापुर में चौक पर स्थापित भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण आज जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक अवधेश चौहान व सुरेश राठौर व शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को अपना कर हम लोगों को एक आदर्श समाज की रचना में सहयोग करना चाहिए। इस ढंग से श्री राम चौक की सज्जा की गई है, ऐसे ही अगर हमारे जितने चौक हैं वहाँ पर कमेटियाँ बन जाएं और उस चौक की गली की मोहल्ले की हम सब जिम्मेदारी लें, जैसे कि वहाँ डस्टबिन रखें, वहाँ की साज सज्जा सुरक्षा और उसकी एक प्रकार से माड़ने हों, तोरण द्वार, मंगल कलश और अपने घर को ही हम कुंभ के लिए तैयार रखें। तो एक अच्छा विचार ये आया है कि जैसे यहाँ चौक सज्जित हुआ है वैसे हर चौक ऐसे ही हो, छोटी छोटी कमेटियाँ बन जाएं और वे सारी समितियाँ अपने दायित्व लें। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं दें। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि मेला क्षेत्र में 11 चौकों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, कई पुलों पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है, आस्था पथ पर कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला बेहद ही भव्य रूप से संपन्न होगा। देखिए हमारे लगभग 11 चौराहे हैं जो हमने इस बार टेकअप किए हैं, जिन पे हम ब्यूटिफिकेशन एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम 4 ऐसे ब्रिजेस हैं जिस पे परमानेंट लाइटिंग करवाने वाले हैं जो आगे भी रहेगी, और इसके अलावा बहुत से हम ग्रीन स्पेसेस, गंगा जी के आसपास गार्डन्स और जहाँ पे भी हमें लगता है कि थोड़ा बहुत स्पेस है जहाँ पे फ्लावर पॉकेट्स बनाए जा सकते हैं, इन सबको करवाया जा रहा है। आस्था पथ में आपने देखा होगा काम पूरा हो चुका है, इस प्रकार से पेंटिंग्स के काम भी चल रहे हैं, तो सारी ब्यूटिफिकेशन एक्टिविटीज हरिद्वार में चल रही हैं जो हमारे कुंभ को और भी सुंदर बनाएंगे। वहीं श्री राम चौक सेवा समिति के अध्यक्ष ने इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि आज उनका सपना पूरा हो गया है जो उन्होंने 2004 में देखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2004 में ऋषिकेश में लक्ष्मण जी की मूर्ति देखी थी, जिसे देखकर यहां श्री राम जी की मूर्ति स्थापित कराने का स्वप्न उनका पूरा हुआ है। 2004 में हम लोग, मैं और मेरा महामंत्री ओम पावा डायमंड स्टेशनर से जो है दोनों ऋषिकेश गए, वहाँ लक्ष्मण जी की मूर्ति देखी, प्रतिमा देखी, एक केबिन में लगी हुई थी आदमकद। हमने तभी मन बनाया कि इस चौक पर अगर यहाँ राम जी की भव्य प्रतिमा लगे तो, और ये चौक श्री राम चौक के नाम से प्रफुल्लित हो, नाम से जाना जाए, तो कैसा कहेगा। जो 2004 का सपना वो आज संपन्न हुआ। मैं भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए उनको उनके आशीर्वाद से कहना चाहता हूँ कि सारी जनता खुश और खुशहाल है। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित जश कल्याण की रिपोर्ट। पौड़ी के बाद अब श्रीनगर गढ़वाल में भी पर्यटकों और आम जनता की सुविधा के लिए नगर पालिका प्रशासन 3 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 भव्य बहुउद्देशीय पार्कों का निर्माण करने जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवाड़ी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पार्कों में झील, स्विमिंग पूल, ओपन जिम, स्केटिंग, योगा प्लेटफॉर्म और बच्चों के लिए पार्क समेत वॉकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। नगर पालिका श्रीकोट में एक बहुत ही भव्य पार्क, बहुउद्देश्य पार्क बनाने जा रही है। स्केटिंग प्लेटफॉर्म, योगा प्लेटफॉर्म और वाटर फिटिंग, साउंड सिस्टम, फैंसी लाइटनिंग, ये सब देखने को जल्द से जल्द मिलेगा। जो भक्तियाना में शहीद स्मारक पार्क है उसको भी भव्य रूप देने जा रही है नगर पालिका, इसमें झील और स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।
उत्तराखंड सरकार और महंत इंद्रेस अस्पताल देहरादून के बीच जिला चिकित्सालय पौड़ी समेत दो अस्पतालों को पीपीपी मोड पे चलाए जाने का अनुबंध हुआ है, जिसके बाद आज से पौड़ी और पाबू में अस्पताल का विधिवत संचालन शुरू हो गया है। वहीं आगामी 5 फरवरी से घड़ियाल में भी इसका संचालन शुरू हो जाएगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गौरव रतुड़ी ने कहा कि जिला चिकित्सालय पौड़ी, पाबू और घड़ियाल को बेहतर सुविधा देने का उनका पूरा प्रयास रहेगा। वहीं सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाएं पूर्व की तरह चलती रहेंगी। कि ये जो जिला अस्पताल है ये पीपीपी मोड में मतलब हमें अलॉट किया गया है, लेकिन ये अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह ही इसके यूज़र चार्जेस जो हैं वो वैसे ही फंक्शन होंगे। जो 28 रुपये की पर्ची थी वो वैसे के वैसे ही रहेगी। जो आयुष्मान कार्ड था वो पूर्णतः यहाँ पे फ्री इलाज मिला जाएगा, गर्भवती महिलाओं को फ्री इलाज मिला जाएगा। आपातकालीन में अगर कोई आता है, कोई भी मरीज यहाँ पे एडमिट होता है, तो उसको फ्री ओपीडी कंसल्टेशन दी जाएंगी। और जो भी दवाइयाँ अभी तक गवर्नमेंट के रूप से के सहयोग से वितरित होती थी उसमें, बल्कि इन एडिशन टू दैट हम और दवाइयाँ यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं, वो पूर्णतः फ्री डिस्पेंस करी जाएंगी हमारे माध्यम। पहले तो यहाँ पे पूरे स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थी, यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ अवेलेबल नहीं था, सर्जन अवेलेबल नहीं थे। तो अभी हमने 10 स्पेशलिस्ट नए तैनात किए हैं जो पूर्णतः जिला अस्पताल पौड़ी में ही कार्यरत रहेंगे। तो उनके थ्रू अगर कोई सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाते हैं तो पूर्णतः अवेलेबल रहेगी, और जो भी रोगी उस विशेषज्ञ से रिलेटेड जो है डिजीजेस उससे ग्रसित होंगे तो उनका पूर्णतः यहीं पे इलाज किया जाएगा। अनअवेलेबिलिटी की वजह से लोगों को रेफर किया जाता था, पर आईसीयू 4 बेड का हमने फंक्शनल कर दिया है, उसके अलावा 2 बेड उसमें और एडिशनल ऐड कर रहे हैं। एक 24/7 आईसीयू में डॉक्टर की उपलब्धता हम करवा रहे हैं, तो आईसीयू के लिए भी किसी मरीज को नहीं रेफर किया जाएगा, ऑपरेशंस के लिए भी रेफर नहीं किया जाएगा, और गर्भवती महिलाओं को भी रेफर नहीं करेंगे। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।